हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर फेयर। ये मेरा जावास्क्रिप्ट का 6th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल सेकंड पार्ट, राइट। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था वेरिएबल का फर्स्ट लेक्चर, इस ट्यूटोरियल में हम लोग वेरिएबल का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो देखते हैं। हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ चुका है कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल के 3 टाइप्स होते हैं। क्लियर है? जिसमें से पहला है वेर, सेकेंड है आपका लेट एंड थर्ड है आपका कॉन्स्ट। क्लियर है? इसमें से प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने पढ़ चुका है वेर के बारे में। क्लियर है? तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में। क्लियर है? तो इसको हम लोग अच्छे से समझने के लिए प्रैक्टिकली देखते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था कि वेर x इक्वल टू, यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू देता हूँ, ठीक है, तो ये आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है? अब ये फिर मैं यहाँ पर वेर x इक्वल टू 20 देता हूँ तो भी मेरा आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है? मतलब कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में ये बता दिया था आपको कि वेर जब आप वेरिएबल लोगे यहाँ पर उसका वैल्यू ओवरराइड हो जाता है। और पिछले ट्यूटोरियल में मैंने ये भी बताया था कि आप यहाँ पर वेर लिख रहे हो और यहाँ भी आप वेर लिख सकते हो, मतलब कि 2 बार आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन लेट में क्या होता है कि मान लो मैं यहाँ पर लेट लिखता हूँ, तो पहले ये समझ लो कि लेट और वेर दोनों सेम ही काम करता है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंट है ये दोनों में, वो हम डिफरेंट देखने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ लेट भी आपका वेर जैसा ही काम करेगा, जैसे लेट x इक्वल टू 10 दिया मैंने, आउटपुट आपका 10 आ चुका है। क्लियर है? अब जैसे ही यहाँ पे मैं लेट को x इक्वल टू 20 देता हूँ तो यहाँ पर आपका एरर आएगा। तो वेर और लेट में एक ही डिफरेंट है कि यहाँ पर जब आप लेट लिखोगे, मतलब कि एक बार ऑलरेडी आपने लेट को डिक्लेयर किया, तो आप 2 बार लेट, मतलब दूसरी बार लेट को आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर है? मतलब यहाँ पर लेट लिखा तो यहाँ पर आप लेट नहीं लिख सकते, यहाँ से आप लेट हटा दो फिर आपका आउटपुट आ जाएगा। जैसे देखो आपका आउटपुट आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर लेट लिखोगे आपका एरर आएगा। क्लियर है? तो वेर और लेट में एक डिफरेंट क्या है कि आप जब यहाँ पर लेट एक बार डिक्लेयर कर दिया तो आप दोबारा लेट को आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। बट वेर में क्या था कि आपने यहाँ पर वेर लिखा तो यहाँ पर भी वेर लिख सकते हो। क्लियर है? बट लेट में ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर मैं x इक्वल टू 30 देता हूँ तो आपका आउटपुट आ जाएगा, बट यहाँ पर वेर को मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको लेट को मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे कमेंट किया। अब देखो इसका x का वैल्यू 30 आ चुका है। कहने का मतलब क्या है मेरा कि वेर और लेट दोनों सेम ही काम करता है, दोनों ओवरराइड होता है। जैसे देखो यहाँ पर x 10 था और x यहाँ पर 30 ओवरराइड हो चुका है, लेकिन ये दोनों में एक डिफरेंट क्या है कि आप 2 बार लेट यूज नहीं कर सकते हो। जैसे वेर में हम 2 बार वेर यूज करते थे, लेट में नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं कॉन्स्टेंट में क्या होता है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ इजी अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए। सपोज मैंने लिखा कॉन्स्ट x इक्वल टू 10। क्लियर है? आपका आउटपुट आ चुका है 10। पहले ये जान लो कि कॉन्स्ट का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हुआ कि जब आप कॉन्स्टेंट का वैल्यू एक बार डिक्लेयर कर दिया तो आप दोबारा उसे फ्यूचर में आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ पर x इसका 10 वैल्यू दिया तो इस x का वैल्यू आप फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 20 में चेंज करना चाहता हूँ ऐसा, तो देखो यहाँ पर एरर आ रही है, कुछ नहीं आ रहा, मतलब एरर आ रही है। जावास्क्रिप्ट का एरर आपको देखना है तो इसका एरर हम कंसोल पे देखते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा जावास्क्रिप्ट का एरर कैसे कंसोल पर हम देखते हैं। क्लियर है? कंसोल पे आपको जाकर राइट क्लिक करना होता है और वहां पर इंस्पेक्ट करोगे तो आपको कंसोल पे इसका एरर दिखेगा। क्लियर है? तो यहाँ अगर मैंने ऐसा भी लिखा कॉन्स्ट x इक्वल टू 30 फिर भी आपका एरर आएगा। क्लियर है? तो कॉन्स्ट में क्या है कि आपका वैल्यू भी ओवरराइड नहीं होता है और उसका वैल्यू चेंज भी नहीं कर सकते हो। क्लियर है?
करने का मतलब कि आप इसका वैल्यू ओवरराइड भी नहीं कर सकते हो और दो बार कॉन्स्ट भी नहीं लिख सकते हो। क्लियर है? ये था आपका कॉन्स्टेंट। तो फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैर, लेट और कॉन्स्टेंट में तीनों में डिफरेंट क्या है। यहाँ पर देखो, वैर में क्या होता है कि मान लो कि ये मैंने वैर एक्स इक्वल टू 10 लिया, क्लियर है, फिर मैंने वैर एक्स इक्वल टू 20 लिया और जब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एक्स का वैल्यू पास करूंगा तो आपका आउटपुट ये 20 आ जाएगा, क्लियर है। बट यहाँ पर मैं एक्स का ओवरराइड भी कर सकता हूँ। कहने का मतलब मेरा क्या है कि वैर में आप दो बार वैर लिख भी सकते हो और उस वैल्यू को ओवरराइड भी कर सकते हो, क्लियर है। बट लेट में क्या होता है कि आप लेट को दो बार ऐसा यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर आपने वैर को दो बार यूज किया, वैसे आप यहाँ पर लेट को दो बार नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लियर है। आप लेट को ओवरराइड कर सकते हो बट दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। कॉन्स्टेंट में क्या होता है कि कॉन्स्टेंट में आप दो बार कॉन्स्ट को डिक्लेयर भी नहीं कर सकते हो और इसको ओवरराइड भी आप नहीं कर सकते हो, क्लियर है। तो ये आपका वैर, लेट और कॉन्स्टेंट में डिफरेंट था।